गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आफ्टर रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट यूनिट फर्स्ट द बेस्ट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। द वेनर है लेफ्ट इट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। Both fire and water had clearly taken their role on this task. This last rover was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I stuck it sharply with side by my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Shallow tap to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it in Sankey handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong for me to open the box, but curiosity got the better of my scrubs, it usually does. Inside the box there was involved the address read Miss Jim MacPherson, 12 Copper, Mrs. Britford, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated on the top 26 December 1914. Dear student, I removed the roll top completely. मैंने घूमने वाले ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटाया and pulled out the drawers और दराजों को खींच कर बाहर कर दिया. The banner had lifted almost every year. सजावट तो ऊपर लगी लकड़ी की पतली परत हर जगह से उखड़ गई थी. Veneer means a thin layer of plastic or wood to decorate surface of furniture. It looked like water damage to me. और मुझे लगा कि ये नुकसान पानी से हुआ है. It looked like water damage to me. मुझे लगा कि ये पानी से नष्ट हुआ है. The fire and water had clearly taken their toll on this desk. और आग और पानी दोनों ने इस मेज का नुकसान किया था. Destroyed water damaged the desk. And answer is fire and water had damaged the desk. The last drawer was stuck fast. और अंतिम दराज बहुत ही जाम हो गई थी. Stuck fast means got jammed. I tried all, मैंने सभी प्रकार से प्रयास किया. I could to ease it out gently. और मैंने इसे आसानी से निकालने के लिए सब कोशिश की जो मैं कर सकता था. In the end I used brute force. और अंत में मैंने शारीरिक बल का प्रयोग किया. And I stuck it sharply with the side of my fist. मैंने अपनी मुट्ठी की बगल से जोर से चोट की और दराज खुलकर नीचे गिर गई. एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सेक्रेट ड्रॉवर. और जिसके नीचे उतले गालिस्तान में बनी गुप्त दराज दिखने लगी. देयर वॉज समथिंग इन देयर. और वहाँ उसमें कुछ था. आई रेस्ट इन में मैंने अंदर से एक छोटा काला लोहे का डिब्बा निकाला. आई रेस्ट देन टू काउट ए स्मॉल ब्लैक बॉक्स इन टिन बॉक्स येलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट. और इसके ऊपर येलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर चिपकाया हुआ था. इट वॉज पीस ऑफ लाइन पेपर एंड रिटन ऑन इट सेंकी हैंड राइटिंग. और इसके ऊपर कांपते हुए हस्तलेख से लिखा था 25 जनवरी 1915 को प्राप्त
टू बी रिसीव्ड जनवरी, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, एंड टू बी बिल्ड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, और समय आने पर मेरे साथ ही दफनाया जाए। आई नी हेज आई डिड इट दैट इट वॉज जस्ट रॉन्ग टू ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और जैसे कि मैंने ये किया मैं समझ गया था कि डिब्बे को खोल कर मैंने गलती की थी, पर बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कैप्स, लेकिन मेरी उत्सुकता में नैतिकता पर हावी थी, स्कैप्सल्स और फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एंड इट यूजुअली डज, ऐसा प्राइस होता है इनसाइड द बॉक्स, और डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था, देर वाज एन इनवॉल्व, द एड्रेस रीड, और पता इस प्रकार था, मिसेज जे जी मेक पर्सन 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिटपॉट डिस्पॉट इट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसको खोला, इट वाज रिटन इन पेंसिल, और ये पत्र पेंसिल से लिखा गया था, और एंड डेटेड ऑन द टॉप, और इसके ऊपर 26 December 1914 की डेट लिखी हुई थी। डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पैरा ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। डियर स्टूडेंट, व्हाट हैड डैमेज द डेस्क, डियर स्टूडेंट डेस्क को किसने नष्ट किया था। डियर आंसर, आंसर इज फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क। वेयर डिड द ऑथर फाइंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। डियर स्टूडेंट, ऑथर को एक छोटे काले टिन बॉक्स के अंदर टिन बॉक्स कहाँ मिला। डियर स्टूडेंट, द आंसर इज द ऑथर फाउंड द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ रोल टॉप डेस्क। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द बॉक्स। डियर स्टूडेंट, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवॉल्व कंटेनिंग ए लेटर। नेक्स्ट, द वर्ड लेस डीप इट मीन्स स्वेलो। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, व्हेन द ऑथर ओपन द इनवॉल्व लेटर एंड द लेटर वॉज रिटन हैज डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियर स्टूडेंट, काश मैं तुम्हें बहुत कुछ नुमा भावनाओं के साथ लिखता हूँ, आई राइट यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड समथिंग वंडरफुल हैज हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियर स्टूडेंट, मैं तुम्हें बहुत ही कुछ भावनाओं के साथ लिखता हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। डियर स्टूडेंट, दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ मिसेज जिम मैकपर्सन। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम सभी हमारी छिपने हेतु बनाई गई खाइयों में खड़े हुए थे। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेज मीन्स लॉन्ग डीप डिशेज इन आवर ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी। यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। और डियर स्टूडेंट, क्रिसमस की सुबह ये कुछ नुमा रूप से शुष्क और ठंडी और शांत थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग हैज आई एवर सीन, और उतनी ही सुंदर जितनी मैंने कभी देखी। एज कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उसी प्रकार से जिस प्रकार ये क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और काश मैं तुम्हें बता पाता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य यह है, आई एसम टू से, मुझे कहते हुए शर्मिंदा हूँ, मैं कहते हुए शर्मिंदा हूँ, इज दैट फिट्स बिगेन इट, कि इसने फिट्स जर्मन सैनिक ने इसे शुरू किया था। फिट्स, डियर स्टूडेंट, निक नेम ऑफ जर्मन सोल्जर्स। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम ट्रेंचेज ऑफ साइट। डियर स्टूडेंट, पहले किसी ने सामने की खाई में से एक सफ़ेद झंडे को हिलते हुए देखा, एंड देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स,
और तब वे सरहद के पार से हमें पुकार रहे थे, शुभ क्रिसमस टॉमी। क्या पुकार रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। डियर स्टूडेंट, टॉमी इज निकनेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम सरहद से उभरे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने चिल्लाया, सेम टू यू फेट्स, आपको भी शुभकामनाएं, तुम्हें भी फेट्स, तुम्हें भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा ये बस यही सब होगा हम एंड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन इज ग्रे कोट वार्ड, और लेकिन अचानक उनमें से एक सलेटी बड़ा कोट पहने सफ़ेद झंडा लहराते हुए वहाँ था। डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली मत चलाना। डोंट शूट, गोली मत चलाना। लैड्स, समवन शाउटेड, नो वन डिड, किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट, और फिर वहाँ उस मुंडे पर दूसरा फिट्स था, और फिर दूसरा। एंड कीप योर हेड्स डाउन, और अपने आदमियों को बताया कि अपना सिर नीचे रखो। आई टोल्ड देम मैन इट इज़ ट्रिक, ये कोई चाल हो सकती है, बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। डियर स्टूडेंट, सम वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, राइट इन योर नोटबुक।